यू। एज यू ऑल नो फ्रॉम टुमारो द दिवाली वैकेशन इज गोइंग टू स्टार्ट, सो आई विश यू ए वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। नाउ इन दिस दिवाली वैकेशन वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग ए होमवर्क फॉर यू ऑल। सो फॉर क्लास 8 वी आर गोइंग टू गिव यू ए स्मॉल एक्टिविटी इन थ्रू विच यू कैन लर्न ऑन लॉट्स ऑफ थिंग्स। वॉट यू हैव टू डू दैट यू हैव टू फाइंड आउट टू क्रॉप्स, टू मेडिसिनल क्रॉप्स, टू वेजिटेबल और फ्रूट्स विच ग्रोन इन जैसलमेर, एंड यू हैव टू प्रोवाइड ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑल दिस थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन विच मंथ दे ग्रो, वॉट काइंड ऑफ अ सॉइल दे नीड, एंड फाइनली हाउ मच वाटर दे नीड, वेदर दे नीड वाटर और नॉट, एंड इन हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सीजन, इन हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर देयर इन जैसलमेर। सो यू हैव टू फाइंड आउट सच थिंग्स रिलेटेड टू जैसलमेर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस, बट स्टिल आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल। जैसे मेडिसिनल क्रॉप्स जैसलमेर में क्या उगते हैं उनके बारे में आपको जानकारी बतानी है, कहाँ उगते हैं ये भी बताना है, किस सीजन में उगते हैं ये भी बताना है, कौन से मंथ्स में उगते हैं ये भी बताना है। और इसका एक एग्जाम्पल है एलोवेरा, जिसे हम नागफनी भी हिंदी में कहते हैं, खीप, वो भी एक प्रकार का मेडिसिनल क्रॉप है, वो मेडिसिनल एक्टिविटीज़ में काम आता है, तो उसके बारे में लिखना है। साथ ही साथ आप दूसरे क्रॉप्स जैसे कि बाजरा और मूंग जो जैसलमेर में उगते हैं उनके बारे में भी बताएंगे। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे छोटे छोटे जो पीलू हमारे यहाँ जैसलमेर में मिलते हैं उनके बारे में आप बताएंगे। कैर सांगरिया जो जैसलमेर में मिलती है उनके बारे में बताएंगे। आप चाहें तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे एक अपनी कॉपी में। साथ ही साथ आप के पास अगर अवेलेबल है पिक्चर्स इजीली तो आप इनकी पिक्चर्स भी अपने कॉपी में लगाइए। सो दिस इज़ द स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ बी एक्टिव इन दिस एक्टिविटी एंड डू दिस बाय नेसेसरली इन योर दिवाली होम हॉलीडेज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।